गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा का चुनाव अभियान लगातार जारी है। जगह जगह से लोग मुकेश शर्मा को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा का कहना है कि वो गुरुग्राम की तस्वीर बदलने के लिए राजनीति में आए हैं और 36 बिरादरी पूर्ण से वहां पर समर्थन मिल रहे हैं और दे भी रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके अंदर बचपन से ही जन सेवा की भावना रही। इसके अलावा मुकेश शर्मा जीत का दावा करते हुए भी नजर आए। बहुत प्यार मिल रहा है और नरेंद्र मोदी ने जिस आस पे मुझे टिकट दी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उस आस पे मैं पूरा खरा उतरूंगा। और मुझे लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी हैट्रिक मारने जा रही है गुड़गांव में। एक एक माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों का सहयोग मुझे पूरा मिल रहा है और मैं तो इनको एक ही विश्वास दिलाता हूँ, पीछे क्या हुआ मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन आगे जो गाड़ी दौड़ेगी वो आपकी विकास की गाड़ी दौड़ेगी और बहुत ज़्यादा विकास कराऊंगा, ये मैं सबसे वादा करता हूँ। मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या है। एक एलिवेटेड रोड बनवाएंगे जो सिग्नेचर टावर से घूमते हुए प्रकाशपुरी चौक और सीधा राजीव चौक पर निकलेगा, वो कार्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने शहर में मेट्रो भी आ रही है और वो व्यवस्था भी होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।